मेरा नाम पी मल्लिक है, मैं ASI CISF में कार्यरत हूँ। मेरा फर्स्ट जब डायबिटीज मतलब ये हुआ, डिफाइन हुआ क्या मेरा डायबिटीज है, तो मैं बहुत परेशान हो गया। मैं बहुत सा डॉक्टर के पास गया और जाकर उनसे सलाह लिया, मैंने एलोपैथी डॉक्टर जितने हैं सलाह लेने के बाद सब डॉक्टर ने हमें एडवाइस दिया कि भाई आप एक काम करो, आपको दवाई खाना पड़ेगा, ये क्योर नहीं होगा, दवाई खाना पड़ेगा। उसी चक्कर में मैं डर गया एलोपैथी ट्रीटमेंट से। मैं सोचा ना इसका कोई इस तरह हाल हो कि मैं जिंदगी भर के लिए मेरा दवाई है, मेरा जो क्या बोल रहा है बीमारी क्योर हो जाए, ये कहाँ मिलेगा। तो मैं ऑनलाइन सर्च करते करते डॉक्टर राय साहब को मैं सर्च किया और देखा कि इनका जो ट्रीटमेंट लायक है, मेरे लायक है। फिर मैं दुनिया भर पर इंक्वायरी किया, कई सोर्स से इंक्वायरी किया, जो डॉक्टर साहब से पहले ट्रीटमेंट करा चुका था उनसे मैं क्वेरी किया कि भाई आप ट्रीटमेंट करा के क्या हाल है, क्या आप थोड़ा सा भी क्योर हुआ, क्या आप फुल्ली क्योर हुआ, क्या हुआ। तो उन्होंने हमें एडवाइस दिया कि हम लोग भी बहुत सारे ये डॉक्टर एलोपैथी डॉक्टर के पास जाके फिर देखा और दवाई खा के भी देखा, कुछ नहीं हुआ। हम लोग आज डॉक्टर AK राय साहब के चेंबर में आया, उनसे कंसल्ट करने के बाद हमें ये बीमारी ठीक हो गया। पहले जब मैं डॉक्टर साहब से दवाई शुरू किया और उसको खान पान के ऊपर रेस्ट्रिक्शन जो था, ज़्यादा नहीं था रेस्ट्रिक्शन, उतना बड़ा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, थोड़ा सा छोटा सा रेस्ट्रिक्शन है, सब कोई कर सकता। तो एक हफ्ता में मेरा शुगर घट के एकदम पोजिशन में आ गया। फिर डॉक्टर साहब बोला नहीं आपको 3 महीना करना पड़ेगा, तो 3 महीने में किया हूँ, अभी मैं एकदम नॉर्मल हूँ। मेरा आज का डेट में रैंडम है 103 और PP जो है 115, तो इससे ऊपर नहीं रहता और मैं आज सब कुछ खाता हूँ। डॉक्टर साहब जिस तरह एडवाइस दिया उसी एडवाइस के मुताबिक सब कुछ खाता हूँ।